इंजीनियरिंग एग्जाम में जब मैंने दिया था, बहुत लेंदी हुआ करता था, लेकिन मैंने आधे घंटे में ही कर लिया था, मैं सच बोल रहा हूँ। और सबसे कम मार्क्स मेरे केमिस्ट्री में, सबसे ज़्यादा मैथ्स में थे, फिर फिजिक्स में सबसे कम केमिस्ट्री में थे, क्योंकि मैं पहले से सोच के गया था कि ये आएगा तो ये करना है, ये आएगा तो ये करना, मतलब पहले से प्री प्लानिंग, बहुत सारे टेस्ट दिए थे। डर तो होता है, लेकिन पेपर देखने के बाद डर खत्म हो जाता है। अगर आपको आता है तो डर खत्म हो जाता है, तो उतना टाइम दो डर खत्म होने का। अदरवाइज क्या हुआ, पेपर देखा, पहला क्वेश्चन किया, पहला क्वेश्चन लेंदी हुआ, आपको लगा हम गलत कर रहे हैं, छोड़ दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन किया हड़बड़ाहट में, तो वो जब तक हड़बड़ाहट नहीं हट जाए तब तक पेपर अटेम्प्ट करना शुरू नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की हड़बड़ाहट ज़्यादा देर में हटती है, 10 मिनट लग जाते हैं हड़बड़ाहट हटने में। तो उनको मैं सलाह दूंगा कि पेपर में से वो ढूंढ लो सबसे आसान, जो देख के गोला भरना है, वो सबसे आसान क्वेश्चन ढूंढ लो, 10 मिनट तक वही करो, समझ रहे हो। जैसे बायोलॉजी में जो सबसे फेवरेट टॉपिक है, केमिस्ट्री में जो सबसे फेवरेट, फिजिक्स में अगर कोई डायमेंशन वाला क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, वो ढूंढ लो, वो करो 10 मिनट तक करो आप, फिर आप रिलैक्स हो जाओ, फिर आपका पेपर अच्छा हो। और हड़बड़ाहट में क्वेश्चन शुरू करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। नीट के तो इजीली हो रहे थे घर प्रैक्टिस करने पर, वो तो घर पे तो हो ही जाएंगे क्वेश्चन, घर पे होने से मतलब नहीं है। जो टाइम प्रेशर में, एक्सट्रीम टाइम प्रेशर में, दूसरों को देखते हुए, अपनी नर्व्स को काम रखते हुए पेपर अच्छा करता है, वो जीतता है। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा आता है, घबराहट इतनी होती कि कर नहीं पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हो। जितना आता है उतना सफिशियंट है, अपने माइंड को रिलैक्स करो। आप समझ रहे हो कितने क्वेश्चन आने वाले हैं बताओ, टोटल 200, 180 तो मान के चलो, 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो देख के कर सकते होंगे कि नहीं, 20 तो होंगे। तो वो 20 क्वेश्चन जो देख के कर सकते हो, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, बायोलॉजी के हो, वो पहले 10 मिनट तक करो। 20-20 बना दो पेपर को, क्या बना दो, 20-20 बना दो, पहले 5 ओवर में मारने, फिर अपने आप आपके क्वेश्चन होने लग जाएंगे, ठीक है। तुमने पिन करी कि नहीं करी, क्या कराई है, फिर आपके क्वेश्चन होने लग जाएंगे, वो बेस्ट है, कर सकते हो ऐसा। और एग्जाम से डरना बंद कर दो, क्या होगा यार, जाना तो सबको ऊपर ही है। इट्स नॉट नेगेटिव, इट्स पॉजिटिव। तो क्यों ना हम इस जीवन में जो बड़ी मुश्किल से मिला है कुछ कर गुजरे। ओके बाय। घर पर सो जाते हैं, एग्जाम में सिली मिस्टेक, वैसे सिली मिस्टेक भी हो जाती हैं, ठीक है, वो सब दूर हो जाती हैं, सिली मिस्टेक सब दूर हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंस से पेपर करोगे ना तो सिली मिस्टेक नहीं होगी। हड़बड़ा के करोगे और पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन आएगा ही नहीं, आपको मार्क्स नहीं आने का डर जो होता है ना, वही पेपर खराब करता है, मार्क्स नहीं आने का डर। परफॉर्म करने के बारे में सोचो, मार्क्स के बारे में आज से सोचना बंद कर दो, मार्क्स ऑटोमेटिकली आएंगे, ठीक है। अगर कोई पहले से सोचेगा कि यार इस बॉल पे मैं बोल्ड हो जाऊंगा तो हो जाएगा, वो इस पे मैं आउट हो जाऊंगा तो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस से खेलता रहेगा तो खेलता रहेगा। एग्जाम में भी 10-20% परफॉर्मेंस अगर इम्प्रूव करना है तो एग्जाम फियर हटा दो,